शुरू करते हैं। हे गाइस नमस्ते सलाम केम छो कसा काय तुम्ही वारला सिकी कैसे आप स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। और फिलहाल मैं हूँ मुंबई में जुहू इलाके में हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कार्तिक आर्यन का हाउस दिखाने वाला हूँ। बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने वाले कार्तिक आर्यन और कार्तिक आर्यन ना ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहने वाले है और फिलहाल में मुंबई में रहते है बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद। तो चलिए कार्तिक आर्यन का घर के वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों कार्तिक आर्यन NS रोड नंबर 7 में रहते हैं जुहू में। फिलहाल मैं NS रोड नंबर 7 पे वहीं पे खड़ा हूँ। ये वाला रास्ता है ना यही जाता है कार्तिक आर्यन के तरफ हाउस की तरफ। तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। और दोस्तों NS रोड नंबर 7 पे कई सेलिब्रिटी का हाउस भी है। तुषार कपूर हो गया, अनिल कपूर हो गया, कई सेलिब्रिटी की NS रोड नंबर 7 पे है उनका हाउस। तो चलिए आपको कार्तिक आर्यन का होम्स विजिट करवाता हूँ मैं। ये रहा NS रोड और इसी NS रोड पे ही है कार्तिक आर्यन का हाउस। 5 minutes later सो ये रहा मेरे पीछे कार्तिक आर्यन का हाउस। ये रहा है एक गेट, तो ये रहा है एक वो रहा आगे। और हर बिल्डिंग में दो गेट रहते हैं, इसमें भी है ये रहा दो गेट, ये रहा। और इस होम का नाम है ना 53 सिद्धि विनायक नाम है और ये लिखा भी हुआ है, देख लो ये रहा है 53 सिद्धि विनायक लिखा हुआ है। और भाई इस घर का एंट्री गेट ना ये रहा देख सकते हो, ये एंट्री गेट और ये मेन एंट्री गेट है यहाँ पर अंदर आने जाने का। और ये देख सकते हो अंदर गाड़ी वाड़ी खड़ी है कार्तिक आर्यन की। और यहाँ पर बर्थडे था तभी यहाँ पर भी निकले थे कार्तिक आर्यन। और हर सेलिब्रिटी रहता है ना वो बर्थडे पे निकलते ही है घर के बाहर। और यहाँ पर कार्तिक आर्यन भी निकला था, उनका बर्थडे था तभी। और देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी लगाई गई है ये बालकनी में, देखो सकते हो। और पूरा पेड़ पौधे ही लगाया गया है। और कार्तिक आर्यन का घर ना ये पूरा सुनसान एरिया में है, यहाँ पे पूरा शांत एरिया है, देख सकते हो पूरा शांत एरिया है। तब इतना यहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं जाती है, इतना पूरा शांत एरिया में है, देख सकते हो। दोस्तों कार्तिक आर्यन का पूरा नाम ना कार्तिक आर्यन तिवारी नाम है और उनके पिताजी का नाम है मनीष तिवारी नाम है और उनकी माताजी का नाम है माला तिवारी नाम है। कार्तिक आर्यन की मम्मी का नाम है वो। और ये कार्तिक आर्यन की फैमिली ना मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर से है। और भाई लोग आपको बता दूं कि एक पूरा घर नहीं है कार्तिक आर्यन का, एक फ्लैट है कार्तिक आर्यन का यहाँ पर इस होम पे। और यहाँ पे पांचवे फ्लोर पे रहते हैं कार्तिक आर्यन, पूरा फ्लैट है उनका एक। और एक फ्लैट में पूरा इंक्लूड रहता है, वो तो आपको भी पता होगा, पूरा जिम वगैरह पूरा स्विमिंग पूल वगैरह इंक्लूड रहता है एक फ्लोर पे। और कार्तिक आर्यन की फिल्म ना वो भूल भुलैया 2 करके आई थी, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाया था उस फिल्म में और उसी फिल्म में नाम भी कमाया और पैसे भी कमाया कार्तिक आर्यन। भाई कार्तिक आर्यन के कुल नेटवर्क की बात करें तो कम से कम 50 करोड़ से ऊपर ही है उनका कुल नेटवर्क, 50-60 करोड़ का नेटवर्क है उनका। और कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास कई लग्जरी की कार है, उनके पास करोड़ों वाली कार है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ उनकी कार कलेक्शन। BMW 5 सीरीज है और एक मिनी कूपर एस है, एक पोर्सा है, एक लेम्बोर्गिनी भी है उनके पास। कार्तिक आर्यन के पास ना 5-6 कार है और लाखों करोड़ों की वाली ही कार है उनके पास। और कार्तिक आर्यन ना एक फिल्म के लिए कम से कम 7-8 करोड़ चार्ज लेते हैं। और दोस्तों कार्तिक आर्यन ना एक महीने की कमाई कम से कम 70-80 लाख कमाई करते हैं एक मंथ का। और आपको बता दूं कि कार्तिक आर्यन की अभी शादी नहीं हुई है, अभी कुंवारा ही है कार्तिक आर्यन, उनकी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। पहला ऐसा बंदा है कि बहुत कम उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ चुके हैं कार्तिक आर्यन। और भाई लोग आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, दो लड़कियां थी इस बिल्डिंग की गेट के सामने यहीं पे सामने चिल्ला रही थी और कार्तिक कार्तिक करके, जो कि लॉकडाउन के टाइम था और यहाँ पर चिल्ला रहे थे कार्तिक कार्तिक आर्यन करके। तो दो लड़कियाँ थी और कार्तिक आर्यन उनसे मिला भी था और यहाँ पे बहुत सारा हल्ला भी हुआ था और वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था यहाँ इस बिल्डिंग के गेट के सामने। और कार्तिक आर्यन उनसे भी मिला भी था और वो
बात है, कम से कम 1.5 साल की पहले की बात है, और कार्तिक आर्यन इसी गेट के सामने यहीं पे मिला भी था उनसे, और वो लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो इसलिए कार्तिक आर्यन को निकलना पड़ा वहाँ घर में से, और उनसे मिला भी और आके फोटो मोटो क्लिक करवाया था कार्तिक आर्यन ने। और वो लड़कियां का वीडियो बहुत लोग डाले थे यूट्यूब पे, आप लोग नहीं देखे तो जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, कार्तिक आर्यन के नाम से सर्च करके यूट्यूब पे। भाई कार्तिक आर्यन का घर विजिट करना चाहते हो तो ये पड़ता है जुहू इलाके में, स्थित है सिद्धिविनायक 53 नाम है इन घर का नाम, और आप लोग आके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे कई सेलिब्रिटी का हाउस है जुहू इलाके में, मुंबई में बोले तो सबसे ज़्यादा जुहू बीच में ही है, कई सेलिब्रिटी का हाउस है जुहू बीच में, तो आके विजिट कर सकते हो। हीरोइन बोल सकते हो, सेलिब्रिटी हीरो का हाउस है बहुत ज़्यादा, एक डायरेक्टर का भी हाउस है यहाँ पर। और भाई लोग सेलिब्रिटी का हाउस विजिट करना चाहते हो तो आ सकते हो, आप लोग विली पार्ले स्टेशन आ सकते हो, मुंबई विली पार्ले स्टेशन आ सकते हो, नहीं तो अंधेरी स्टेशन आ सकते हो, और सबसे नज़दीक तो विली पार्ले स्टेशन है, वहाँ से आके आप लोग विजिट कर सकते हो, वहाँ से जुहू बीच नज़दीक पड़ता है। और आप लोग नए हो तो आप ऑटो वाले से मदद ले सकते हो, ऑटो वाला आप लोग बोलेंगे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी का हाउस देखना है बोलेगा, तो ऑटो वाला सब सेलिब्रिटी का हाउस दिखा देगा, ऑटो वाला थोड़ा पैसा ज़्यादा लेगा लेकिन बराबर पूरा सेलिब्रिटी का हाउस विजिट करवा देगा। तो आइए बॉलीवुड सेलिब्रिटी का हाउस विजिट करिए, जुहू इलाके में कई सेलिब्रिटी का हाउस है, पुराने बड़े नए का हाउस है, तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं आप लोग जुहू इलाके में आके, और जुहू बीच भी विजिट करना ना भूले, मुंबई का सबसे बड़ा बीच है जुहू बीच, और जुहू इलाके में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी रहते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।